जी आने वाले कल से, नहीं ये धोखा है कर्मचारी को। एक अगस्त से शुरू करिए जी, हमारी मांग थी 16 से। चलो 16 से नहीं, कहीं सरकार बीज बचाव कर लेती, राइट? तो जनवरी 2016 से बन रहा, वो भी नहीं करा सरकार में। तो एक तरफा 3.5 साल का HRA राज्य की सरकार पूर्ण रूप से डकार गई। अच्छा। हाँ जी, और 3 मांगे हमारी आज भी ज्वलंत है, जो स्टैंड कर रही है। सभी कच्चों को पक्का करना, पुरानी जो पेंशन है उसको बहाल करना, पेंशन बहाल करना, ये बिल्कुल हमारी स्कीम है। अरे किलोमीटर स्कीम के तहत जो है ना जी, गाड़ियां सरकार अभी करी है, हाईकोर्ट ने सिद्ध कर दिया 510 जो है ना सरकार गलत थी, सरकार ने मान लिया। किलोमीटर स्कीम को रद्द करना, किलोमीटर नहीं जी, हायर करने वाली 100 ये इनको अब भी देंगे, किलोमीटर स्कीम पर हायर करेंगे। स्कीम रद्द नहीं कर रहे हैं, 510 के टेंडर रद्द किए हैं। अच्छा, 190 जो बची हुई है। हमारी मांग ये है, हमारी मांग ये है कि किलोमीटर स्कीम जो है ये हायर, बस वो हायर करने का। देखिए हरियाणा कर्मचारी महासंघ की 20 जुलाई को प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से हमारी लगभग 2 घंटे वार्ता हुई थी, जिसमें प्रमुख रूप से 4-5 मांगों पर हमारी सहमति बनी थी, जिसमें एस्क्रेशन नीति को बहाल करना, मेडिकल फैसिलिटी इंडोर, जो एम्प्लॉय बीमार हो जाता है किसी भी प्रकार की बीमारी हो उन सभी पर लागू करना, इसके अलावा जो रिस्की कार्य करने वाले एम्प्लॉय हैं उनके ऊपर जोखिम भत्ता लागू करना, और चौथा जो पॉइंट था, गत अक्टूबर माह में 2018 के अंदर जो राज्य परिवहन की 18 दिन लंबी हड़ताल चली, उसमें सभी विभागों के कर्मचारियों के ऊपर जो एस्मा और अन्य प्रताड़ना है उनको समाप्त करने के बारे में भी सहमति बनी थी। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने उसी दिन राज्य सरकार को 12 दिन की 11 दिन की समय अवधि का टाइम पीरियड दिया था, यदि 31 जुलाई तक सरकार इन मानी गई मांगों का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी, अधिसूचना जारी नहीं करेगी, तो हरियाणा कर्मचारी महासंघ विधानसभा के मानसून सेशन के प्रथम दिन राज्य के सभी जिला उपायुक्तों पर विशाल विरोध प्रदर्शन करते हुए सभी उपायुक्तों को मांगों बारे मुख्यमंत्री हरियाणा को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। और यहां यह भी गौरतलब है कि हमारे मांग पत्र के अंदर जो प्रमुख रूप से पंजाब के समान वेतन मान, सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पुरानी पेंशन नीतियों को बहाल करना, सरकार बैकफुट पर है, ये हम आज भी मांग कर रहे हैं। यदि जो मांग पत्र हरियाणा कर्मचारी महासंघ का अब भी सरकार द्वारा 2 अगस्त के बाद नहीं माना गया, तो फिर संगठन की प्रदेश कार्यकारिणी की एक आपात मीटिंग बुला करके एक जनता के सहयोग से एक निर्णायक आंदोलन की तरफ प्रदेश का कर्मचारी जाएगा, जिसकी पूर्ण रूप से होगी वीरेंद्र सिंह धनखड़ प्रांतीय महासचिव हरियाणा कर्मचारी महासंघ संबंधित अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी परिषद। एक आपने 16 दिन हमने राज्य सरकार के सभी आला अधिकारी वहां उपस्थित थे, 18 दिन जो हड़ताल चली, अब माननीय उच्च न्यायालय ने, विजिलेंस ब्यूरो ने और यहां तक कि सरकार ने यह मान लिया कि 510 का जो एग्रीमेंट था वो बहुत महंगा था, जनता के पैसे को चपत लगती, विभाग को नुकसान होता, सरकार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विजिलेंस द्वारा मान लेने के बाद भी सरकार जो 190 गाड़ियां बची हुई है किलोमीटर स्कीम के तहत उनको फिर दोबारा हायर करने की स्कीम पर चलाने के लिए अड़ी हुई है। हम इस स्कीम को पूर्ण रूप से रद्द करने की मांग करते हैं। 510 प्लस 190 ये उसी का हिस्सा है, उसी का पार्ट है, निश्चित रूप से आपके माध्यम से किसी भी कीमत में इस स्कीम को रद्द नहीं होने दिया जाएगा। और हरियाणा रोडवेज के अंदर जनता की आबादी के अनुसार सरकार कम से कम प्रतिवर्ष 2000 गाड़ियां बेड़े में शामिल करते हुए इनकी संख्या बढ़ाए, प्रदेश के बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, सरकार के खजाने में आर्थिक रूप से इजाफा होगा जो राज्य के विकास में सहयोग करेगा। यदि हरियाणा प्रदेश की लगभग 7,500 ग्राम पंचायतों में से अगर एक भी ग्राम पंचायत ये दिखा दे कि हमें प्राउड बस चाहिए, ये एग्जाम्पल है निवर्तमान का, उस समय की सरकार द्वारा चाहे हमारी 725 पुरानी गाड़ियां थी, चाहे नई किलोमीटर सिस्टम के तहत पूर्व सरकार लाने का प्रयास किया, यहां प्राइवेट गाड़ी में एक कंडक्टर सरकारी होगा, गाड़ी मालिक की होगी, ड्राइवर मालिक का होगा, उसकी मेंटेन जो रोडवेज की कर्मशालाएं बनी हुई हमारे मैकेनिक है वो नकारा हो जाएंगे। आज देखिए
हरियाणा रोडवेज का गुड़गांव स्थित एचआरसी, जहां किसी समय गाड़ियां प्रतिमा 150-200 गाड़ियां तैयार हुआ करती थी, वहां के अधिकारी और कर्मचारी आज खाली बैठे। हम मान लेंगे सरकार की इस बात को, यदि एक भी ग्राम पंचायत का सरकार रेजुलेशन दिखा दे। प्राइवेट सेक्टर के आदमी हमारी जनता को, विशेष रूप से हमारी जो छात्राएं बहने हैं, वो जिला मुख्यालयों से जब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर पढ़ने के लिए आती हैं, अभी जो गाड़ियां चल रही हैं पीछे पिछली सरकारों के दी हुई, रोडवेज में जो कंडीशनल सुविधा है वही प्राइवेट गाड़ी में सुविधा है, वो मान नहीं रहे, वो हाथ पकड़ कर नीचे उतार देते हैं। और ये स्पष्ट करते हुए कि हरियाणा रोडवेज एशिया के अंदर 79 परिवहन उपक्रमों में कम ईंधन में ज्यादा बचत देने वाला सुरक्षात्मक दृष्टि से वो विभाग है जिसको महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने अब से पहले 19 बार शीर्ण देकर के विभाग को सम्मानित कर दिया। सरकार अब अपने चहेतों को, पूंजीपतियों को, धनाढ्य आदमियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस विभाग को निगम बनाने पर उतारू है। हरियाणा का कर्मचारी किसी भी कीमत पर यह सहन, तालमेल कमेटी और हरियाणा कर्मचारी महासंघ, हमारे एसकेएस, दूसरे सभी कर्मचारी संगठन मिलकर के अभी सरकार ने टेंडर प्रक्रिया आज से लगभग महीना पहले पूरी की है, और उसमें शायद आने वाले 4 महीने का और समय है उस प्रक्रिया को पूर्ण रूप से अंजाम देने के लिए। अगर सरकार पहले ऐसा करेगी तो तुरंत प्रभाव से एक जनतांत्रिक तरीके से जो विरोध होगा, हम हर हालत में पूर्ण रूप से सक्षमता के साथ, मजबूती के साथ अपना विरोध दर्ज कराएंगे कि ये जनहित में नहीं है सरकार का। गाड़ियों का 5 अगस्त स्टेटस ये है जी, सरकार द्वारा इन एफिडेविट की इन 510 को रद्द कर दिया जाएगा। सरकार ने लिखकर दे दिया 510 को। भ्रष्टाचार का इतनी भारी अनियमितताएं सामने आई, राज्य सरकार द्वारा परिवहन विभाग के जो निचले स्तर के जो अधिकारी हैं, जिन्होंने केवल मात्र कागजित कार्रवाई को पूरा करने का काम किया है, उनको को भाषण बना दिया गया। हमारे उस समय के डायरेक्टर जनरल, हमारे उस समय के एसीएस, जो इस फैसले को लेने के लिए अधिकृत थे, हाई पावर ऑफ अथॉरिटी थे, जिनके अधिकार क्षेत्र की बात थी, या सिविल सचिवालय के उच्च अधिकारी, उनको अब तक सरकार ने बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। निचले स्तर के कर्मचारी अधिकारियों को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह है कि इसमें से कोई राजनीतिक नेता शामिल हो, किसी भी पार्टी का शामिल हो, किसी भी विभाग का अधिकारी शामिल हो, और इवन यहां तक कि जो वेबसाइट थी कंप्यूटर ऑपरेटर्स की पुरानी, या कि सरकारी विभाग की, वो एक षड्यंत्र के तहत प्राइवेट ऑपरेटर ने मिलकर के खोल लिए समय सीमा के अंदर, उसको ओपन क्यों नहीं किया गया? उन लोगों पर भी कार्रवाई कड़ी सी कड़ी होनी चाहिए, ताकि सच्चाई जनता के सामने आना सके। हमारा मुख्यमंत्री महोदय इस आशा और विश्वास के सामने कि जो स्कैंडल चल रहा है, प्रदेश की जनता और प्रदेश का कर्मचारी काफी आशा और भरी निगाह से देखना चाहता है कि इस पूरे के पूरे स्कैंडल का जो इतना बड़ा था वो पर्दाफाश निचले स्तर से लेकर ऊपरी स्तर को।